क्लास 10th का चैप्टर 8 करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। पहले तो हम ये जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। ट्रिग्नोमेट्री का अगर हम शॉर्ट फॉर्म में कहा जाए तो ट्री, ट्री का मतलब होता है थ्री, कॉन का मतलब होता है साइड, मेट्रोन का मतलब होता है मेजर, ठीक है, यानी कि तीन साइडों का मेजर जो होता है उसे क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। और जो भी हमारा ट्रिग्नोमेट्री होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर क्या होता है, बेस्ड होता है, ठीक है। अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे तो इस तरीके से हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। एक एंगल हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है 90 डिग्री का, और उसके बाद बाकी क्या होते हैं, ये एक्यूट एंगल होते हैं दो साइड जो 45 होते हैं, चाहे 30 हो सकता है, 60 हो सकता है, कितने का भी एंगल हो सकता है, लेकिन 90 से छोटा होगा। लेकिन एक चीज को ध्यान रखो, और हमें इस चैप्टर में एक चीज और मिलेगा, इस तरह का साइन जिसको क्या कहते हैं, थीटा। इस थीटा का मतलब होता है एंगल। एंगल्स हमें गिवन होंगे, कितने डिग्री का एंगल निकालना है, कितने डिग्री का एंगल नहीं निकालना है, इनकी वैल्यूज वगैरह हमारे पास गिवन होती है। एक चीज और ध्यान से देखो, ये जो होता है ये एंगल्स थीटा होता है, क्या होता है, थीटा होता है। इस थीटा के जो अपोज सामने होता है, इस थीटा के जो सामने होता है वो होता है परपेंडिकुलर, और इस थीटा के जो नीचे होता है इसे कहते हैं बेस, और इस साइड अपोजिट होता है इसे कहते हैं हाइपोटेनस। पी से होता है परपेंडिकुलर, बी से होता है बेस, एच से होता है हाइपोटेनस। इसलिए ये बताया जा रहा है क्योंकि हमारे पास क्या होता है, समटाइम क्या होता है, थीटा यहाँ पे दे रखा है एंगल। अगर मैंने थीटा इसको बना दिया, मैंने अगर थीटा मैंने यहाँ पे बना दिया और इसको मैंने क्या बना दिया, नॉर्मल, इसको सी बना दिया, इसको ए बना दिया और इसको थीटा बना दिया, तो हमारे जो परपेंडिकुलर और बेस है वो चेंज हो जाते हैं। आपको इस चैप्टर में बोला जाएगा कि आप बताओ कि अगर हमारा एंगल जो है ए की जगह सी हो गया, यानी कि थीटा चेंज कर देंगे, तो उस केस में क्या होगा। हमें पता है कि थीटा के जो सामने होता है, थीटा जहां एंगल बनता है, जो थीटा होता है उसके सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और इसके बगल वाला क्या होता है, बेस होता है, और हाइपोटेनस भी इसके ये इधर वाला होता है। इट मीन्स कि जो हमारा परपेंडिकुलर है और बेस है वो क्या हो गया है, चेंज हो गया, इंटरचेंज हो गया, इतना समझ में आया। उसके बाद हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इसी के अपोजिट हम कह सकते हैं कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अब इसके साइन थीटा का मतलब हमारे पास, आपको शॉर्ट ट्रिक बता देती हूँ, आप चाहें तो शॉर्ट ट्रिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर आप याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं। यह हमारा 90 डिग्री का एंगल होता है, ये हमारा पी है, ये हमारा एच है, ये हमारा बी है, हमारा क्या ए बी सी। इट मीन्स कि साइन का मतलब होता है पी अपॉन बी, यह हमारा ए पी के हमारे पास ए बी, और बी के हमारे पास बी सी, यानी कि पी अपॉन बी। और कॉस का होता है बी अपॉन एच, और इसका एच अपॉन, हमारा ये होता है साइन होता है पी अपॉन एच, यानी कि एच हमारे पास ए सी है, तो पी हमारे पास क्या है ए बी, और एच क्या है हमारे पास ए सी, और इसमें हमारे पास क्या है बी, बी हमारे पास बेस क्या है बी सी, एच क्या है हमारे पास ए सी, और उसके बाद हमारा पी क्या है यहाँ पे ए बी, और बी क्या है हमारे पास बी सी। इसका जस्ट अपोजिट होता है कॉसेक, सेक और कॉट। कॉट सेक जो है साइन का अपोजिट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं वन अपॉन साइन। कॉसेक को वन अपॉन साइन भी लिखते हैं हम, मैं मिटा के इधर लिख रही हूँ, कॉसेक को हम लोग वन अपॉन साइन भी कहते हैं, और सेक को हमारा, सेक थीटा होता है हमारा वन अपॉन कॉस थीटा, और कॉट होता है हमारा, कॉट थीटा होता है वन अपॉन टेन थीटा, जिसके वजह से जो हमारे जो साइन होते हैं, जो हमने अभी किया था, हमारा साइन क्या था पी अपॉन एच, यानी कि हमारा पी अपॉन एच ये डेनोमिनेटर्स में तो ऊपर चला जाएगा, यानी कि हमारा अपोजिट होगा एच अपॉन पी। उसी तरह वन अपॉन कॉस है तो इसका भी अपोजिट हो जाएगा, हमारा बी अपॉन एच होता है कॉस का, तो अपोजिट हो जाएगा एच अपॉन बी। उसके बाद हमारे पास होता है कॉट का वन अपॉन टेन, टेन होता है पी अपॉन बी, तो इसका अपोजिट हो जाएगा बी अपॉन पी। अब इसको शॉर्ट ट्रिक मेथड है, तरीका याद करने के आपके तीन मेथड में बता देते, जो आपको इजी लगे वो मेथड को आप अपना सकते हो। जैसे मैं आपको भी बता देती लिख के, आप जो आपको इजी लगे उस ट्रिक को आप याद कर सकते हो। एक तो पी से होता है पापा, पी से पापा,
बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। एक तो ये हो गया पी से पापा, बीड़ी बी से बीड़ी, पियोगे हाँ हाँ बेटा। इस मेथड से याद कर सकते हो या फिर इस तरीके से इसे भी कर सकते हो, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। इस तीसरा मेथड यह है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। आपको तीन मेथड है, तीनों मेथड में से कोई भी मेथड को याद कर सकते हो। और इसका अपोजिट साइन का तो आपको पता है, इसका अपोजिट क्या होगा, कॉस होगा, सॉरी कॉसेक होगा। और कॉस का अपोजिट जो है सेक होता है, टेन का अपोजिट कॉट होता है। बाकी के जो इंट्रोडक्शन है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।